उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का चौथा बजट पेश हो गया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में बजट पेश किया। यह बजट 5,12,860 करोड़ 72 लाख का है। युवाओं के लिए बजट में कुछ खास रखा गया है। युवाओं के भविष्य को देखकर बजट तैयार किया गया है। क्या कुछ खास है, देखिए इस रिपोर्ट में। योगी सरकार ने वर्ष 2020 व 21 के लिए प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट पेश किया, जो कि युवाओं को समर्पित है। बजट में युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री शिक्षिता प्रोत्साहन योजना एवं युवा उद्यमिता विकास अभियान शुरू करने का ऐलान किया गया है। इस बजट में योगी सरकार युवाओं के लिए इंटर्नशिप स्कीम लेकर आ रही है, जिसमें इंटर्नशिप करने वाले नौजवानों को मेहनताना के तौर पर हर महीने 2,500 रुपए दिए जाएंगे। इंटर्नशिप स्कीम के तहत 10वीं 12वीं और स्नातक करने वाले नौजवानों को विभिन्न तकनीकी संस्थानों और उद्योगों से जोड़ा जाएगा। इसमें 6 महीने और साल भर की इंटर्नशिप में 2,500 रुपए प्रदेश सरकार देगी। इंटर्नशिप पूरी होने के बाद युवाओं के रोजगार की व्यवस्था भी सरकार करेगी। इसके लिए HR सेल भी बनाया जाएगा। इसके तहत युवाओं को उद्योगों व MSME इकाइयों में ऑन जॉब ट्रेनिंग के लिए उन्हें निश्चित अवधि के रोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री शिक्षिता प्रोत्साहन योजना शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत युवाओं को उद्योगों में प्रशिक्षण के साथ साथ 2,500 रुपए मासिक प्रशिक्षण भत्ता भी प्रदान किया जाएगा। योजना के लिए बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा प्रशिक्षित युवाओं को युवा उद्यमिता विकास अभियान के द्वारा रोजगार से स्वावलंबन की ओर बढ़ाने के लिए प्रदेश के प्रत्येक जिले में युवा हब की स्थापना की जाएगी।